21वीं सदी में लोग जहां चांद पर जल जीवन तलाश कर रहे हैं, वहीं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में आज भी लोग अंधविश्वास के चलते शोषण का शिकार होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला धोरीमना थाना क्षेत्र का है, जहां 2-3 माह से बीमार चल रही महिला तांत्रिक के झांसे में आ गई और तांत्रिक ने भूत भगाने के नाम पर महिला को शमशान घाट ले जाकर दुष्कर्म को अंजाम दे डाला। जानकारी के अनुसार धोरीमना थाना क्षेत्र की निवासी महिला पिछले 2-3 महीनों से बीमार चल रही थी। महिला का पति और जेठ उसे लेकर एक भोपे के पास पहुंचे। भोपे ने महिला के शरीर में किसी आत्मा के प्रवेश करने की बात कहकर महिला के परिजनों को तैयार और किसी सार्वजनिक नाड़ी स्थित शमशान घाट पर तांत्रिक विद्या कर भूत भगाने का दावा किया। पति और जेठ भोपे को कहे अनुसार महिला को लेकर उसके साथ सार्वजनिक नाड़ी स्थित शमशान घाट गए, जहाँ भोपे ने पीड़िता के जेठ और पति को मुख्य सड़क पर ही रहने को कहा और महिला को लेकर 2 किलोमीटर दूर शमशान घाट पहुंचा, जहां चाकू की लोक पर तांत्रिक ने महिला के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया।2-3 महीनों मेरे पत्नी को तबीयत पानी सही नहीं हो, ठीक है ना। हाँ। मैं कोई भी होगा थान वादे का भी गया नारियल साइड या उनके ठीक हो जाएगी। जिन मेरे थान वादी यान जिन माने भी तो कोई नारियल दिन हो घर वास तय गए वो घर है घर जान घर जान माँ तो 21 बार फेर बनो कमरे में उसे टांग दी। हाँ। तो मैं वहाँ घर आऊँ आप भी फोन कर दूँ घर आऊँ घर के धूप गा तो नहीं काफी देर तक ना लौटने पर पति और जेठ ने मौके पर पहुंचकर महिला को तांत्रिक के चंगुल से छुड़ाया और धोरीमना थाना में तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बलात्कार की घटना का क्या मामला सामने आया? कल दिन में एक विवाहिता ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उसका शरीर ठीक नहीं रहने की वजह से वो किसी भोपा से तांती बंधवाती थी और तांती बंधवाने के बाद में भोपा ने भूत निकालने की बात को लेकर के किसी नाडी में चलने की बात कही। उसके पति को वो साथ लेकर के वो नाडी में गई और नाडी में उसने भोपे ने पति को कहा कि 1 किलोमीटर दूर रहना होगा, जिस पर पति 1 किलोमीटर दूर था और महिला के साथ में उसने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है, बाकी जाँच जारी है। भोपा कौन है और कहाँ का है? भोपा लादू राम सम हीरा राम विष्णु ही है, कबूली का रहने वाला है। आपने आपको भूमि थी का भोपा बताता है। धोरीमना थानाधिकारी हरचंद राम देवासी ने बताया कि पीड़िता महिला की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी लादूराम पुत्र हीराराम विश्नोई के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। उनके अनुसार पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है और पुलिस ने तांत्रिक लादूराम विश्नोई की तलाश शुरू कर दी है।